हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यह एनसीईआरटी का है दोस्तों, 12th एनसीईआरटी। कह रहा है इफ dy/dx(fx) इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है सच दैट f2=0, मतलब कि जब हम इसका दोस्तों इसका मतलब ये जो लिखा है ये टोटल का मतलब है कि हमें प्रत्यवकलज, प्रत्यवकलज मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रल, हमें इंटीग्रल करना है। जैसे इस क्वेश्चन का इंटीग्रल करेंगे तो fx हमें प्राप्त होगा, fx इक्वल टू कुछ प्राप्त होगा। तो वहां पर x के प्लेक्स पे 2 भरेंगे और उस इक्वेशन के हम 0 दिखाएंगे तो हमें c मिलेगा। अभी आगे चल के पता चलेगा कि ये क्यों f2=0 दिया है। और तब क्या कह रहा है, then fx is, मतलब तब fx equals to क्या होगा दोस्तों, इसमें से ऑप्शन दिया है, a ऑप्शन होगा, b ऑप्शन होगा, c ऑप्शन होगा कि d ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन दिए हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए, समय नहीं बर्बाद करना है। तो हमारा ये दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर dy/dx लिखा था दोस्तों, ये जो dx यहाँ लिखा था हम यहाँ लिख लेंगे, क्या दोस्तों यहाँ dx लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट fx इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴। ये जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा ना, ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन के रूप में है आपस में, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। चलिए 4x³ का अलग होगा लिख लेते हैं और अलग हम 3/x⁴ का लिख लेते हैं। अब 4 बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, 4 बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे x³ का। अभी किए नहीं दोस्तों, अभी करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट को तो बाहर लिख लें। अब -3 हो गया, x⁴ हो जाएगा। देखिए ये जो 3 आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का होता नहीं इंटीग्रेट, और x⁴ है तो ऊपर जाएगा, x⁻⁴ हो जाएगा क्योंकि पता है 1/x को हम x इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखिए x³ का क्या हो जाएगा, अब आपको पता है x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n का x⁻n+1/n+1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x⁴ हो जाएगा ना 4, क्योंकि 3 में 1 प्लस होगा, फिर यहाँ पर भी 3 में 1 प्लस होगा नीचे भी, तो 4 हो जाएगा। ये तो आप कर ले जाएंगे पता है। अब ये माइनस में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, माइनस में दोस्तों सेम यही प्रक्रिया होगा। देखिए 3 तो ऐसे ही लिख लेंगे, अब x⁻⁴ है तो देखिए हम ऊपर जोड़ेंगे क्योंकि x⁻n का क्या होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1, तो n जो है हमारा -4 है, तो जैसे ही -4+1 लिखेंगे तो एक घट जाएगा, -3 हो जाएगा और नीचे भी वही -3 हो जाएगा प्लस सी। यही हमें फाइंड होता है fx इक्वल टू क्या मिलता है दोस्तों, ये यहाँ लिख लीजिए fx इक्वल टू हमें क्या मिलता है, fx इक्वल टू मिलता है 4x⁴/4 - 3x⁴ - 3/ यहाँ -3 है प्लस सी। अभी हमें लास्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, ये देखिए x⁴ हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस देखिए नीचे माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, फिर प्लस हो के 3 से 3 कट जाएगा और प्लस ही है, तो हमारा क्या बन जाएगा x⁴ + 1/x³ प्लस ही। अब दोस्तों ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये दिया था f2=0, यहीं पर हमें वर्क में लाना है, क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सी तो कहीं दिया नहीं है तो हमें सी फाइंड करना पड़ेगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अगर आप ना समझ में आया हो x⁻⁴ का, तो यहाँ देखिए x⁻⁴ का फार्मूला हुआ करता है ना, तो क्या हो जाएगा x⁻⁴+1 हो जाएगा अपान -4+1, तो वही तो हुआ x⁻⁴ / -3 प्लस सी, यही ना हमें प्राप्त हुआ ऊपर भी, और ये फार्मूला हुआ करता है। ये तो आपको याद होना चाहिए x⁻n का इंटीग्रेट क्या होता है, x⁻n+1/n
प्लस वन प्लस सी, अगर यही डिफरेंशियल होता तो क्या हो जाता, एन घट जाता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन हो जाता है दोस्तों, ठीक इसका व्युत्क्रम होता है। अब हमें ये प्राप्त हो गया, अब जो एफ टू हमें दिया है तो किस लिए दिया है, इसमें हम एफ टू रखें इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हम एफ टू रखकर हम वैल्यू निकाले सी का, तभी ना वहां पर तो सी दिया नहीं है ऑप्शन में, तो देखिए वैल्यू निकालेंगे एफ टू हमारा है। अब जैसे ही टू रखेंगे तो ये देखिए टू पावर फोर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स के प्लेस पे टू रखेंगे टू पावर फोर हो जाएगा, प्लस वन अपन टू पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स पावर थ्री है तो टू रखेंगे टू पावर थ्री हो जाएगा प्लस सी। अब यहीं से जब इसे सॉल्यूशन करेंगे 16 हो जाएगा, क्योंकि टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16 होता है, और टू पावर थ्री का क्या होता है एट होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 129 अपन एट प्लस सी, अब सी से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 129 अपन एट, ये हमें हो गया। अभी देखो 129 अपन एट कैसा है दोस्तों, अभी देखिए अब जब इसे 16 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा, 128 प्लस 1 129 हो गया, वही तो हुआ ना, सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। अब हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन, इसी सी का वैल्यू उसमें भरेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर यही तो हमारा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू है, यहाँ सी का वैल्यू फाइंड करना था, क्योंकि हमें यहाँ पर सी दिया नहीं था ऑप्शन में, देखिए किसी में नहीं ऑप्शन में दिया है, सी का वैल्यू फाइंड करना था, सी का तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया सी का, तो सी का वैल्यू यहाँ पर भरेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स क्यूब माइनस 129 अपन 8। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए मिल रहा है एक्स पावर 4 अपन 129 नहीं मिल रहा है, सी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बी मिल रहा है नहीं, ए मिल रहा है क्या, हाँ ए मिल रहा है, देखिए एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स क्यूब माइनस 129 अपन 8, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, और बाकी के क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं लगने थे, बस इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल फार्मूले दोस्तों, मेथड नहीं कोई लगना था, बट कुछ सिंपल फार्मूले लग रही हो तो हर जगह लगेगा इंटीग्रेशन का। अगर दोस्तों जहाँ कहीं भी ना आपको समझ में आया हो अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।